नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित आपका ये आर्टिकल से। तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे आखिर मानवाधिकार क्या होते हैं, फिर बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के बारे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं उसके बारे में भी जान लेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियां भी देख लेंगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सीमाएं भी देख लेंगे और प्रमुख सुझाव क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और आप लोगों के जो भी सुझाव हों, जो भी आपका इस आर्टिकल पर विचार हो उन्हें भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए जिससे समझ में तो आ जाए आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। मानव विकास के लिए कुछ अधिकार समान रूप से सभी को उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इन अधिकारों अर्थात मानव अधिकारों से वंचित हैं। हम अक्सर यह सुनते आए हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों के मानव अधिकारों का हनन होता रहता है। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध है। विश्व युद्ध के दौरान जहां व्यापक जन धन की हानि हुई, वही मानवाधिकारों का भी व्यापक उल्लंघन हुआ। लाखों लोग शरणार्थी जीवन जीने के लिए विवश हो गए। सभ्य समाज का हिस्सा होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकारों का संरक्षण बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा पत्र जारी किया। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक। 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते का प्रारूप प्रस्तुत किया जिस पर भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। इस आलेख में मानवाधिकार अधिनियम की विशेषताएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, उद्देश्य, कार्य, शक्तियां और आवश्यक सुधारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले भी हम लोग कहते आए हैं कि अगर व्यक्ति हमारा समाज अपने अधिकारों और कर्तव्यों से जागरूक हो जाए तो 70-80% समस्याएं खत्म हो जाए हमारे देश की। अब बात करते हैं मानव अधिकार क्या है। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। आप लोगों को बताना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल से संबंधित है हमारी, किस आर्टिकल में, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना के बारे में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति, जिसमें आपका प्रधानमंत्री सहित लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता, केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, की सिफारिश के आधार पर की जाती है। याद रखिए, तो इस समिति में आपके प्रधानमंत्री जी शामिल होते हैं अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है, राज्यसभा का उपसभापति शामिल होता है, ना कि सभापति, याद रखिए, और लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर आपके शामिल रहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष
और 70 वर्ष की आयु जो भी पहलू तक निर्धारित है। इसके अतिरिक्त पुनर्नियुक्त के भी बात होंगी। पहले क्या हुआ था कि ये आपका 5 वर्ष था, ठीक है, 5-70, लेकिन अभी 2019 के करीब इसमें संशोधन करके 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु कर दिया है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। बात करते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। भारतीय लोकतंत्र 3 स्तंभों के मत शक्ति के पृथककरण सिद्धांत पर आधारित है। ये 3 आपके सिद्धांत हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनमें प्रत्येक स्तंभ के एक दूसरे के साथ चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। हालांकि वर्तमान में शासन और प्रशासन की जटिलताओं के कारण स्वतंत्र निकायों की आवश्यकता है, जो निरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेषज्ञता प्राप्त है। इन स्वतंत्र निकायों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रायः मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। याद रखना, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। 3 कौन कौन से हैं आपके? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, और चौथा आपका मीडिया। परंतु राष्ट्र राज्य की आधुनिक अवधारणा में संविधानिक और वैधानिक, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय व राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग निकायों को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाने लगा है। 3 अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी अथवा कार अनुभव होना चाहिए। इसमें से कम एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यालय के मुख्य आयुक्त को भी आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य या शक्तियां। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उसकी जांच करने का अधिकार है। इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल के बंदियों की स्थिति का निरीक्षण और उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु प्रदान किए गए रक्षोपायों की समीक्षा कर सकता है, उनमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है। लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती हैं। यह राज्य तथा केंद्र सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जा सकता है। बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीमाएं क्या हैं। आखिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जांच करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जांच करने का आदेश देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है। वह किसी को निर्णय लागू करने के लिए बात नहीं कर सकता। NHRC उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के एक साल बाद दर्ज कराई जाती, इसलिए कई शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती हैं। अक्सर सरकार या तो NHRC की सिफारिशों को पूरी तरह खारिज कर देती है या उन्हें आंशिक रूप से लागू किया जाता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सर अर्थ यह है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति वाली चयन समिति में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, जिससे हितों का टकराव होने की आशंका होती है। इसके अतिरिक्त नियुक्ति के मापदंडों का उल्लेख स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। प्रमुख सुझाव क्या है इसमें? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सही मायनों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक कुशल पहरी बनाने के लिए उसमें कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह से लागू करने उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। NHRC की संरचना में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधित्व को भी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति वाली चयन समिति में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों के अतिरिक्त सिविल सोसाइटी के सदस्य भी शामिल किए जाने चाहिए, ताकि आयोग पर किसी भी प्रकार राजनीतिक दबाव न डाला जा सके। NHRC को जांच के लिए उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया काडर तैयार किया जाना चाहिए, ताकि सभी मामलों की स्वतंत्र जांच की जा सके। मानवाधिकार आयोग किसी भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच नहीं कर सकता। अगर शिकायत घटना की एक वर्ष बाद की गई हो तो इस तरह का प्रावधान को निर्दिष्ट कर देना चाहिए। सरकार द्वारा मानवाधिकार आयोग को सशक्त बलों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जांच करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए। सरकार द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह से लागू करके उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि की जा सकती है। भारत में मानवाधिकार की स्थिति को सुधारने और मजबूत करने के लिए राज्य अभिकर्ताओं और गैर राज्य अभिकर्ताओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा। 21वीं सदी मानवाधिकारों की सदी है। किसी भी व्यक्ति, सरकार या प्राधिकरण को इन अधिकारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें सीमित करने का कोई अधिकार नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जाति, पंथ, नस्ल, लिंग, संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भिन्नता के बावजूद इन अधिकारों को समान रूप प्राप्त करता है। मानवाधिकारों और इनके उल्लंघन से जुड़े मुद्दों के प्रति पूरी गंभीरता प्रदर्शित करते हुए भारत भी में भी इसके संरक्षण के लिए प्रभावशाली कदम सतत रूप से उठाए जाते रहने चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अधिक सशक्त बनाना ऐसे उपायों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण चरण हो। तो ये था आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित प्रमुख जो भी आपके सवाल थे उनके जवाब मिल गए होंगे। ठीक है।